तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इसमें इसको देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी इंक्रीज लीनियरली विद टाइम टी। अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स टी, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। वेयर के की वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग दिया हुआ है, तो इस के कांस्टेंट है तो मैं 2t यहाँ डाल ही देता हूँ। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल तो मैं dx ओवर dt लिख देता हूँ वेलोसिटी को, दैट इज 2 यहाँ से t, ठीक है ना, 2 यहाँ से t आ जाएगा, तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2t dt। अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूँ, जब टाइम जीरो था तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, डिस्टेंस जीरो हो गया, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो लीनियर हो रहा है, तो टाइम बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ से एक्स आ गया। तो अगर 3 सेकेंड बाद एक्स की वैल्यू यहाँ 3 आ रहा है, तो इधर एक्स माइनस जीरो आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2t² / 2 यहाँ से, और यह आ जाएगा 0 से 3, अब यहाँ से 2 / 2, और यहाँ आ जाएगा 9 - 0, ठीक है, तो यहाँ से 2 2 ख़त्म हो गया, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 मीटर, ये चला होगा, दैट इज कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में 9 मीटर चला होगा, दैट इज ए ऑप्शन यहाँ से सही है, बाकी सारा ये गलत है, ठीक ना, ये।